लड़की रवीना इतनी जल्दी किसी को भी अपने झांसे में ले लेती है। इसकी अदाओं से बच पाना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाता है। बेचारा जीवन, अब इसका क्या होगा? इसे तो पता भी नहीं लगेगा कब इसका खेल खत्म हो गया। दूसरी तरफ तांगे पर बैठी माधुरी बेहद हैरान और परेशान होटल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सामने से 3-4 लड़के जो लगभग पूरी आवारगी करते हुए आगे बढ़ रहे थे अपने आलीशान सी घोड़ा गाड़ी में। माधुरी का तांगे वाला अपने तांगे को साइड में कर लेता है, पर सामने से आ रहे आवारा लड़के माधुरी को देखकर अपना घोड़ा रुकवा लेते। एक लड़का जो नशे में लग रहा था, जिसने बदन पर महंगे कपड़े पहने हुए थे, गले में भारी भरकम सोने की चेन लटक रही थी और हाथों की उंगलियां हीरों की अंगूठियों से चमक रही थी। लड़का, कौन है ये लड़की? पहले मैंने कभी नहीं देखा इसको। तांगी वाला, मालिक यहाँ घूमने आई है, इसे होटल छोड़ने ले जा रहा हूँ। लड़का अपने तांगे से माधुरी के तांगे में पहुंच जाता है और एकदम से अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रख लेता है। माधुरी उस शराबी लड़के को अपने पास देखकर एकदम से घबरा गई थी और घबराहट के मारे एक कोने में सिमट गई थी। लड़का, अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है ये। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मेरा नाम है चंपू, तेरा क्या नाम है मेरी चम्मक छल्लो? माधुरी घबराते हुए, माधुरी। चंपू बेतहाशा शराब के नशे में, तू तो मुझे पसंद आ गई है और मैं अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रहा था, अब जाकर मिली, दिल खुश हो गया तुझे देखकर। माधुरी, ये क्या बदतमीजी है, आप क्या बोल रहे हैं? उतरिए नीचे मेरे तांगे से, मुझे जाने दीजिए। तांगे वाला, मैडम अब तो आप हमारे राजकुमार को पसंद आ गई हैं। ये इस आइलैंड के राजकुमार हैं, चंदू मित्तल, समझिए आप, इसीलिए तमीज से बोलिए हमारे राजकुमार से। माधुरी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डर के मारे उसकी जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। चंपू मित्तल, तांगे वाले, इसे मेरे फार्म हाउस पर ले चलो, अब ये वहीं रहेगी और फिर हम इस ब्यूटीफुल लड़की से शादी करेंगे। और इसी के साथ चंपू के दो गुंडे माधुरी को घेर लेते हैं और तांगी वाला फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाता है। माधुरी अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी थी, उसने एक गुंडे को धक्का दे दिया था और फिर एक तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी थी, फिर खुद को संभालते हुए एक तरफ भाग पड़ी थी। चंपू मित्तल, अरे ये तो भाग रही है, पर जाएगी कहां भागकर, इस आइलैंड से हमारी इजाजत के बिना तो हवा भी बाहर नहीं निकलती, फिर ये तो जीता जागता खूबसूरत फूल है, इसे हम कैसे बाहर जाने देंगे। गुंडे माधुरी के पीछे लग गए थे। माधुरी एक तरफ जो भागे जा रही थी, पर उसे ना तो रास्तों का पता था और ना ही उस जगह का, और फिर वो समंदर के किनारे आकर रुक गई थी। माधुरी, अब यहां से कहां जाए? और फिर वो एक तरफ को भाग पड़ती है जिधर घना जंगल नजर आ रहा था। गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे कि माधुरी किस तरफ को गई है। चंपू मित्तल घोड़े पर बैठा अपने गुंडों के साथ उस आइलैंड की तरफ बने जंगल की सीमा तक आ गया था। एक गुंडा, बॉस वो लड़की शायद जंगल में भाग गई है, इस जंगल में तो बेहद जहरीले सांप और अजगर हैं, मुझे लगता है अब ये लड़की सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी। चंपू मित्तल, क्या कहा तूने, लड़की जिंदा नहीं बचेगी? तो तू अभी इसी जंगल में जा और उसे बचा कर ला, अगर ऐसा नहीं किया तूने तो मैं तुझे मगरमच्छ के सामने डाल दूंगा। गुंडा उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और वो, क्या कह रहे हो, इतनी रात में इस जंगल के अंदर जाना एक तरह से तो मौत को दावत देना है, आप कहें तो मैं सुबह चला जाऊंगा। चंपू अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल से शराब का एक लंबा घूंट पीता है और अपने घोड़े को जंगल में भगा ले जाता है। उसके पीछे आ रहे दो गुंडों में से एक गुंडा तो वापस महल की तरफ भाग जाता है और दूसरा चंपू के पीछे। चंपू मलिक ऊंची आवाज में, सुन लड़के, तू जहां भी है बाहर निकला वरना सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी, बात सुन रही है हमारी या नहीं? गुंडा,
मालिक, आप इतना बड़ा खतरा मोल लीजिए एक लड़की के लिए। आप अभी लौट चलिए, हम अपने और आदमियों के साथ अभी पूरा बंदोबस्त करके उस लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। चंपू, नहीं, मैं उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कहां छुपे हैं, बाहर निकल आओ। और इधर उधर बेवजह घोड़े को दौड़ाता है। दूसरा गुंडा घोड़ा दौड़ाते हुए कोठी में पहुंच चुका था और बेहद घबराया हुआ भागता हुआ हॉल में आ गया था और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, मालिक साहब, मालिक साहब कहां है, जल्दी बाहर आइए। उसकी ऊंची आवाज सुनकर यश मलिक बाहर आ जाते हैं और, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, रात को कोई भूत देख लिया है तुमने? गुंडा, मालिक एक बुरी खबर है। यश मलिक, कैसी बुरी खबर, जल्दी से बोल। गुंडा जी, छोटे मालिक एक लड़की के पीछे जंगल में चले गए घोड़े पर सवार होकर। यश मलिक, क्या कहा, इतनी रात को जंगल में? क्या उसे पता नहीं है जंगल में कितने विषैले सर्प है, रात के वक्त वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। गुंडा, पर मालिक, छोटे मालिक का दिल एक लड़की पर आ गया था और वो लड़की भागकर जंगल में चली गई। बस हमारे छोटे मालिक भी उसके पीछे जंगल में चले गए। यश मलिक, तो यहां मुझे खबर क्या सुना रहे हो, जल्दी से 400-500 आदमी जाओ और उस लड़की को और हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। गुंडा, जी मालिक, और वहां से निकल जाता है। यश मलिक फोन निकालता है और अपने राइट हैंड जीवन को फोन मिला देता है। जीवन इस वक्त रवीना के साथ बैठा झूला झूल रहा था और रवीना उसे अपनी बातों से प्रेम की नई दुनिया में ले जा रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। पहली बेल पूरी चली गई थी पर जीवन ने फोन नहीं उठाया था। फोन दोबारा से बजने लगा था। रवीना, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है, क्या तुम्हारे पास स्पेशल फोन है यहाँ? जीवन, जी ये बस 2-4 ही स्पेशल लोगों के पास है। और फिर अपना फोन उठा लेता है। जीवन, जी बॉस, बोलिए कैसे फोन किया? यश मलिक, बस साले कहाँ है तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? जीवन हकलाते हुए, बात क्या हुई मालिक, आपकी आवाज बहुत परेशान लग रही है, क्या कोई समस्या आ गई है, जल्दी बताइए मुझे, अभी मैं उसे दूर करता हूँ। यश मलिक, चंपू किसी लड़की के पीछे जंगल में चला गया है, तू फौरन जा अपने आदमियों को लेकर और उन दोनों को वापस लेकर आ, वरना वहां के जहरीले सांप कहीं मेरे बेटे को डस ना ले, समझ गया तू, अब जल्दी जा। जीवन, क्या कह रहे हो, ये छोटे मालिक ने क्या किया, मैं अभी जा रहा हूं बस। और तेजी से झूले से उतरकर भाग जाता है। रवीना, अरे रुको रुको जीवन, कहां भागे जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? जीवन, बस अभी थोड़ी देर में आया, एक बड़ी समस्या हो गई है, तो मेरा इंतजार करना। और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल में तलाश। इस वक्त तकरीबन 400 गुंडे हाथों में मशाल और बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर जंगल में आ पहुंचे थे और जंगल के भीतर जा चुके चंपू और उस लड़की को ढूंढ रहे थे। जीवन भी एक घोड़े पर बैठा बड़ी सारी टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहा था और ऊंची ऊंची लाउडस्पीकर में आवाजें दी जा रही थी ताकि चंपू मलिक आवाज को सुनकर वापस आ जाए। जीवन, इसको भी जाने की क्या पड़ी थी जो एक लड़की के पीछे वहां चला गया, मुझे तो लगता है अब कहीं से भी शादी का भूत तो सवार नहीं हो गया है, तभी इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, वरना लड़कियों के साथ खेलना तो इसका बाएं हाथ का खेल। इधर रात के बढ़ते ही जंगल में खोजबीन का काम शुरू हो चुका था तो दूसरी तरफ इस वक्त सुरेश, इतनी जोर जोर से आवाज कहां से आ रही है? अंगद, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की तलाश की जा रही हो, पर कौन हो सकता है, किसकी तलाश की जा रही है यहां, और कौन इतनी रात को जंगल में जाकर छुपा है? सुरेश अपना दरवाजा खोलकर दूर जंगल की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसे एक साया छुपकर घर की तरफ आता दिखाई दे गया था। सुरेश, अरे ये कौन है और ये इस तरह छुपकर इधर क्यों आया और अब ये उस भारी सामान के पीछे छुप गया है? सुरेश चुपके से नीचे जाता है और बिना आहट किए जो जो उसकी कला थी उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और धीरे से उस साये के पीछे जा पहुंचता है। साया वहां छुपकर जंगल की तरफ ही देख रहा था। सुरेश धीरे से, इसे देख रही हो मैडम,
और यहाँ ऐसे क्यों छुपी हो? वो एक लड़की थी और वो माधुरी ही थी। अपने पीछे से आई आवाज को सुनकर वो एकदम से घबरा गई। वो डर के मारे चिल्ला बैठती है, पर सुरेश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। माधुरी की आवाज गले में ही घुट कर रह गई और वो फटी फटी आंखों से सुरेश को देख रही थी। सुरेश, मैडम चुप रहिए वरना उन गुंडों को पता लग जाएगा। चलिए आइए मेरे पीछे। माधुरी सुरेश की बात सुनकर अब थोड़ा सा शांत हो रही थी, पर उसके दिल की धड़कन अभी हाई स्पीड से चल रही थी। आप कौन है? सुरेश, देखिए आप पहले मेरे साथ चलिए, यहाँ किसी की भी नजर हम दोनों पर पड़ सकती है। आइए। माधुरी की हिम्मत नहीं हो रही थी इस आइलैंड पर किसी पर भी भरोसा करने की, पर उसकी मजबूरी थी और वो सुरेश के पीछे पीछे छुपते हुए उसके कमरे की तरफ चली जाती है। अंगद एक लड़की को अपने कमरे में आता देखकर उठकर बैठ जाता है और हैरानी से सुरेश की तरफ देखता है। माधुरी सुरेश के पीछे कमरे में आकर दरवाजे के पास ही एक तरफ खड़ी हो गई थी। अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और आगे बढ़े। सुरेश, आप घबराइए मत, आइए यहाँ बैठिए, और उसे बैठने के लिए चेयर देता है। सुरेश दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देखकर माधुरी एक पल के लिए तो भयभीत हो गई थी। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू आ गए थे। सुरेश जग में से ग्लास में पानी डालता है, माधुरी को पकड़ा देता है। माधुरी कांपते हाथों के साथ ग्लास को पकड़ती है और गटगट करके पानी पी जाती है। उसके अंदर इतनी ज्यादा घबराहट हो गई थी कि उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट कर गिर ही जाता है। अंगद, इतना मत घबराइए मैडम, आप यहाँ सुरक्षित है, हमें बताइए क्या हुआ। माधुरी, मैं अपने होटल में जा रही थी कि इस आइलैंड के राजकुमार ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की। मैं उससे बचने के लिए ही भागकर जंगल में चली गई और अब उधर से निकलकर यहाँ आ गई। वो सब लोग मुझे जंगल में ही ढूंढ रहे हैं। अंगद, अच्छा, जो इतना शोर मच रहा है सब आप ही के लिए है, फिर तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। सुरेश, आप इस आइलैंड पर अकेली आई ही क्यों? माधुरी, मैं अकेली नहीं आई हूँ, हम चार लोग एक साथ आए हैं। मेरे दोस्त अमर को इस आइलैंड की राजकुमारी ने अपहरण करवा लिया है, उसे उसके चार गुंडे अपने साथ उठा कर ले गए। मुझे उसकी भी बहुत चिंता हो रही है, यानी उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे। और अमर के बारे में सोचकर उसकी आंखें फिर से भीग गई थी। अंगद, आप घबराइए नहीं, पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। माधुरी, मेरा नाम माधुरी है। सुरेश, मेरा नाम सुरेश और इनका नाम अंगद है। हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं और अभी एक महीने के लिए यहाँ रुके हैं। माधुरी, मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है अपने दोस्त के साथ, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? सुरेश अंगद की तरफ देखता है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी हम ये काम कर सकते हैं। माधुरी, देखिए, मैं आप लोगों को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज आप मुझे मेरे दोस्त अमर को इस आइलैंड से बाहर भेज दीजिए। अंगद, ठीक है, पर तब तक आपको भी यहीं छुपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलो तो मुझे लगता है यहाँ के राजकुमार के गुंडे आपको ढूंढने की कोशिश अवश्य करेंगे। माधुरी अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है और वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती है। जाने क्यों आए हम यहाँ, मैंने तो अमर को मना किया था, इस जगह बिल्कुल मत चलो, अब वो खुद भी मुसीबत में फंस गया है और मैं भी। अंगद, पर तुमने तो कहा कि तुम यहाँ चार लोग एक साथ आए हो, फिर तुम अब अपने दोस्त अमर के साथ ही यहाँ से क्यों भागना चाह रही हो? वो दोनों भी तो मुसीबत में आ जाएंगे। माधुरी, उन्हें भी यहाँ से बाहर निकालना ही होगा, पर अभी तो मुझे सबसे ज्यादा मेरी और अमर की ही फिक्र है। सुरेश, देखिए मैडम, माधुरी, जब तक हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल देते तब तक तो आपको यहीं रहना होगा, और वो भी छुप कर। मुझे लगता है आपको अपना भेष भी बदलना पड़ेगा। माधुरी, वो तो ठीक है, पर मेरे दोस्त अमर को क्या ढूंढकर यहां ले आएंगे आप? मुझे उसकी भी अपने से ज्यादा चिंता हो रही है। अंगद, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और फिर वहां लड़की एक जैकेट में से नकली मूंछ और दाढ़ी का सेट निकालता है। माधुरी, ये क्या है? अंगद, इसी से तो अब आपका चेहरा बदला जाएगा, आपको हमारे साथ एक आदमी बनकर ही रहना होगा, वरना यहां रहने वाला मालिक जिसका ये घर है वो आपको शायद पहचान जाए। माधुरी,
ठीक है, पर मैं कपड़े क्या पहनूंगी? और आप लोगों के कपड़े तो शायद मुझे आए भी ना। अंगद, तुम इसकी फिक्र मत करो, कल हम बाजार से तुम्हारे लिए कपड़े ले आएंगे, तुम्हारे नाप के। तब तक तुम्हें यहां छुपकर रहना होगा। सुरेश, पर आप तो सिर्फ यहां दो ही पलंग हैं। आप इस पलंग पर सो जाइए, मैं यहां जमीन पर बिस्तर लगा लेता हूं। माधुरी डरते हुए उस पलंग पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ चंपू मलिक बेहद गुस्से में आ चुका था। चारों तरफ उसके आदमी उस वीरान से जंगल में भटक रहे थे, पर कहीं भी उन्हें वो लड़की नहीं मिल रही थी। और मिलती भी अब कहां से, वो तो कमरे में आराम से सो रही थी। जीवन, क्या हुआ, कुछ पता चला उस लड़की का? गुंडा, नहीं जीवन भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और उस तरह बैठे छोटे मालिक चंपू ने तो दिमाग खराब कर रखा है। जीवन, ठीक है, मैं चंपू से बात करता हूं। जीवन अपने घोड़े को चंपू मलिक के पास ले आता है, जो एक चेयर में आराम से बैठा हुआ था। चंपू मलिक, जीवन पता लगा उस लड़की का, कुछ कहां चली गई वो? हमारे इस आइलैंड पर हम उसे ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है? हमारे सैकड़ों आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, कहां गायब हो गई है वो? और शराब के नशे में अपनी आधी खुली आंखों से देखता है। जीवन, छोटे मालिक, मुझे शक है कि वो कोई चुड़ैल थी जो तुम्हें जंगल में भटका कर ले गई। चंपू मलिक, क्या कह रहे हो आप? जीवन, मैं ठीक कह रहा हूं मालिक, रात के वक्त कई बार ऐसे ही चुड़ैल को यहां भटकते देखा गया है, जो फिर जंगल में चली जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। चंपू जीवन की बात सुनकर एकदम से घबरा गया था और उठकर उसके पास आ जाता है। क्या कह रहे हो तुम, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जीवन, नहीं मालिक, मैं क्यों मजाक करूंगा। और फिर एक गुंडे को हाथ हिलाकर अपने पास बुलाता है। गुंडा, जी जीवन भाई। जीवन, अरे छोटे मालिक को बताओ उस चुड़ैल की कहानी, जो रात को यहां किसी भी हैंडसम और स्मार्ट लड़के को अपने जाल में फंसाकर जंगल में ले जाती है और उसकी तरफ आंख मार देता है। गुंडा, जी छोटे मालिक, अक्सर रात में जो भी बहुत ही हैंडसम नवयुवक होता है, उसी के ऊपर ये चुड़ैल मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे बहलाकर जंगल में ले जाती है। अच्छा हुआ मालिक जो आपने हम सबको बुला लिया, वरना आपका जीवन संकट में पड़ सकता था। चंपू मलिक, तो सालू, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बेवकूफ की तरह अभी तक बैठा हूं। और फिर अपने दाएं बाएं देखता है। जीवन मन ही मन में, आ गया मेरे जहाजे में। और फिर चलिए मालिक, बहुत हुआ ये सब, मैंने भी सोचा आज उस चुड़ैल को ढूंढ निकालते हैं, पर वाकई में वो चुड़ैल गायब हो चुकी है। चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूं। चंपू मलिक, हाँ चलो, रात बहुत हो गई है। और लड़खड़ाते पैरों के साथ जल्दी से वो अपने तांगे पर चढ़ जाता है। जीवन, अपने आदमी से, जंगल से अपने सभी आदमी बुला लो और बोलो अपने घर जाएं, मैं छोटे मालिक को घर छोड़ आता हूं। और तांगे को कोठी की तरफ बढ़ा देता है। यश मलिक अभी भी हॉल में बैठे हुए थे जब चंदू लड़खड़ाते पैरों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। रात के 2 बज चुके थे। यश मलिक, तुम आ गए बेटा, मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था, कितनी बार मैंने इस जीवन को फोन किया। क्यों जीवन, कहां गई वो लड़की जो हमारे बेटे को पसंद आई थी? मुझे लगता है वो अभी तक तुमको मिली नहीं है। चंपू, रहने दीजिए डैडी, मुझे नहीं चाहिए वो लड़की। आपको वो लड़की लगती है? वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। यश मलिक हैरानी से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखता है। क्या कह रहे हो बेटा, चुड़ैल कहां से आ गई है? जीवन, मालिक, होगी कोई भटकती आत्मा, छोटे मालिक ने किसी को मार कर लटकाया होगा, उसी की आत्मा होगी। चंपू मलिक, क्या बकवास कर रहे हो, अच्छा हम अपने कमरे में जा रहे हैं। और लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। यश मलिक, ये क्या ड्रामा है, किस चुड़ैल की बात कर रहे हो तुम? जीवन, अरे मालिक कुछ बात नहीं है, दरअसल छोटे मालिक बेवजह पागल हो रहे थे जंगल में जाने के लिए, तो मुझे लगा जब वो लड़की मिली नहीं रही, हमारे इतने सारे आदमियों को भी, तो क्यों ना छोटे मालिक को ही खुश कर दिया जाए। बस फिर क्या था, मैंने बोल दिया कि वो ही चुड़ैल थी इसलिए गायब हो गई, अब वो जंगल में नहीं मिलेगी। यश मलिक,
वाह, क्या आइडिया लगाया तुमने मेरे बेटे को शांत करने का। वरना ये तो महीने भर तक उस जंगल के पास ही बैठा रहता है जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती। जीवन जी मालिक, तभी तो मैंने आइडिया लगाया और जो कामयाब हो गया। यश मालिक, तुम वाकई मेरे राइट हैंड बनने के ही काबिल हो और मुझे बड़ी खुशी है। तुम्हें राइट हैंड बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की। जीवन धन्यवाद मालिक। अच्छा अब आप आराम कीजिए, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चुटकियों में सारा मामला सुलझा दूंगा। यश मलिक, हाँ एक मामला तो है और फिर कुछ सोचने लगते हैं। जीवन कैसा मामला मलिक, मुझे बताइए। यश मलिक सोफे पर बैठ जाते हैं और उसे भी बैठने का इशारा करते हैं। जीवन अरे मलिक बताइए तो सही, आप तो चुप हो गए, क्या आपको मेरी काबिलियत पर विश्वास नहीं है? यश मलिक, दरअसल जीवन हमारी बेटी मोना को एक लड़का पसंद आ गया और उसने उस लड़के को किडनैप कर लिया जो इस वक्त ऊपर के कमरे में रह रहा है। जीवन एकदम हैरान रह जाता है, क्या कह रहे हो मालिक, मोना मैडम को कोई लड़का पसंद आ गया, वो भी हमारे इस आइलैंड पर, और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? इस आइलैंड पर होने वाली हर घटना का मुझे पता लग जाता है, तो इस बार कैसे नहीं पता लगा? मैं तो हैरान हूं आपके मुंह से ये बात जानकर। यश मलिक, सुबह जो चार पर्यटकों की हम बात कर रहे थे जो बहुत ही अमीर है, उन्हीं में से एक लड़का है अमर, उसी पर हमारी मोना का दिल आ गया। जीवन क्या क्या कहा अमर? और फिर खुश होते हुए, मोना मैडम की चॉइस पर अब तो मुझे भी खुशी हो रही है, उन्होंने बहुत से लड़के को पकड़ा है, अभी तक वो लड़का एकदम कुंवारा है, उसकी शादी भी नहीं हुई और वो हमारी मोना मैडम के लिए परफेक्ट भी है। यश मलिक क्या कह रहे हो तुम, अमर तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया हुआ है, अगर ये बात मोना को पता लग गई तो वो उस लड़की को अभी यहाँ ठिकाने लगा देगी। जीवन अरे नहीं मालिक, अमर के साथ जो लड़की आई है वो कोई उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, बस मामूली सी दोस्त है। अमर अपने तीन दोस्तों के साथ यहाँ आया और सभी ने अलग अलग रूम कर लिए, आप इसी बात से समझ जाइए, और सभी ने अलग अलग रूम किराए पर लिए, आप इसी बात से समझ जाइए। यश मलिक अच्छा तो ये बात है, फिर ये अमर उस लड़की को हमारे आइलैंड से बाहर क्यों भेजना चाह रहा था? अमर को तो अपनी दोस्त से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी मोना को लेकर। जीवन अरे मालिक, ये सभी एक दूसरे को यहाँ जानने और समझने आए हैं, पर अगर मोना की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा तो शायद उस लड़की माधुरी को बेवजह बुरा लगे, इसलिए शायद वो उसे यहाँ से भेजना चाह रहा होगा। फिर तो आपको उस लड़की को यहाँ से भेज देना चाहिए था। अगर आप कहें तो मैं उसे सुबह ही यहाँ से चलता कर देता हूँ। यश मलिक ठीक है, तो फिर तुम उस लड़की को सुबह ही यहाँ से रफा दफा कर दो, और हो सके तो अमर के साथ आए उसके दो साथियों को भी। जीवन यश मलिक की बात सुनकर, अरे नहीं मालिक जी, वो दोनों तो यहाँ बेहद खुश हैं, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, बस मैं अमर की दोस्त को यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। यश मलिक ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अच्छा रात बहुत हो गई है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, और ऊपर गैलरी में खड़ा एक शख्स जो इन दोनों की बातें सुन रहा था और फौरन अपने कमरे में भाग जाता है। अमर अपने कमरे में आ गया था और उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी प्रसन्नता की लकीरें आ रही थी। उसके दिल पर अभी भी जो दबाव बना हुआ था वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अमर अच्छा कल अब जीवन खुद ही माधुरी को यहाँ से हेलीकॉप्टर में बिठाकर विदा कर देगा, चलो अब मुझे माधुरी की फिक्र तो नहीं रही, वरना यहाँ तो उसके लिए बड़ी आफत खड़ी होने वाली थी। अमर अब बेहद खुश नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी, और फिर वो सीधा अपने पलंग पर जंप कर जाता है और चादर ओढ़कर सो जाता है। पर अमर ये बात नहीं जानता था कि उसकी माधुरी पर तो चंपू की नजर पड़ चुकी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए बेचारी क्या क्या कर रही थी। दूसरी तरफ डॉन सिकंदर के दोनों गुंडे चीमा और साका भी यहाँ एक होटल में ठहरे हुए हैं। साका क्या करें, तुमने देखा ना कैसे आइलैंड का राजकुमार चंपू उस लड़की माधुरी के पीछे पड़ गया है, मुझे नहीं लगता अब वो लड़की बच नहीं पाएगी। चीमा तो फिर क्या करें, अपने बॉस को खबर भिजवा दें और उससे कह दें कि अपने क्लाइंट नरोत्तम को बोल दें कि उनकी बहन की जान कभी भी जा सकती है।
या शायद अभी तक उसकी जान जा चुकी है। साका, पर नहीं यार, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते। हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा और फिर देखते हैं क्या पता चलता है। जी माँ। अरे मेरे भाई, वो राजकुमार माधुरी को नहीं छोड़ने वाला है और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही रहेगा। फिर उसे यहाँ बसने वाले गुंडों के हवाले कर देगा। हमें अभी खबर भिजवा देनी चाहिए। क्या पता सुबह तक उसका भाई नरोत्तम खुद यहाँ आ जाए, और अगर उसकी बहन जिंदा है तो वो अपनी बहन को बचा कर ले जाए। साका, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस आइलैंड पर सिर्फ यश मलिक का राज चलता है और यहाँ आने वाला हर आदमी उसका गुलाम बन जाता है। इतना तुम समझ लो, यहाँ कुछ दिन मौज मस्ती करके वापस लौटा जा सकता है, पर दुश्मनी करके कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जी माँ, फिर भी खबर तो हमें अपने बॉस को दे देनी चाहिए। वो अपने आप फैसला करेंगे उन्हें क्या करना है। और फिर दोनों अपने जूतों की सोल एक तरफ करते हैं और उसके अंदर से सैटेलाइट फोन के कुछ कलपुर्जे निकालकर उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। और कुछ ही समय बाद उनके हाथ में सैटेलाइट फोन तैयार था। चीमा जल्दी से फोन डॉन सिकंदर को मिला देता है और कुछ ही समय बाद वो फोन उठा लेता है। डॉन सिकंदर। हाँ बोलो चीमा, क्या खबर है? चीमा, खबर बुरी है बॉस। लगता है आपने जो अमर की सुपारी ली है उसके साथ साथ अब नरोत्तम की बहन भी मरने वाली है। डॉन सिकंदर। क्या बक रहे हो, कौन उसे मारने वाला है? चीमा, बॉस इस आयलैंड के राजकुमार चंपू की नजर उस पर पड़ गई है और उसने अपने बेहिसाब गुंडे उसे ढूंढने में लगा दिए, पर वो जंगल में कहीं छुप गई है। आप समझ लीजिए, या तो वो सुबह तक जंगल में ही मारी जाएगी, और अगर नहीं मारी गई तो यहाँ के गुंडे उसे ढूंढ कर चंपू के हवाले कर देंगे और फिर वो उसे अपनी रखेल बना लेगा। डॉन सिकंदर। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और फिर कुछ सोचते हैं। अमर क्या कर रहा है, क्या उसने कुछ नहीं किया? चीमा, हमने उसको भी देखा था बॉस, उसे भी चार आदमी पकड़कर पता नहीं कहां ले गए। डॉन सिकंदर। क्या कह रहे हो, अमर पकड़ा गया? पर किस लिए? चीमा, अभी तो कुछ नहीं पता है, हम कल तक पता करके आपको बताते हैं बॉस। डॉन सिकंदर बेहद हैरान रह जाता है ये बात जानकर। उसने जिस परफेक्ट बंदे को आइलैंड पर यश मलिक की तिजोरी लूटने को भेजा था वो इस वक्त पकड़ा गया, उसे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। डॉन सिकंदर, यहाँ के हालात कैसे हैं? चीमा, सब कुछ पहले जैसे ही है। नशेड़ी लोग यहाँ आकर तरह तरह के नशे का आनंद ले रहे हैं। हर गैर कानूनी काम यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। लोग इस आइलैंड पर आते ही इन्हीं कामों के लिए। एक तरफ के एरिया में वही जो होटल का धंधा है वही चल रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को लूटने का अड्डा बना रखा है। डॉन सिकंदर। फिक्र मत करो, बहुत जल्दी मैं वहां आने वाला हूं यश मलिक से मिलने। चीमा। जी बॉस। डॉन सिकंदर, इस यश मलिक को कंगाल करके इससे ये आइलैंड खरीद लेना चाहता हूं। चीमा। जी बॉस। अब ये तो सब अमर के हाथ में, वो अपना काम अगर कर पाया तो ही हमारी सफलता तय है, वरना हमारे सभी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। डॉन सिकंदर। यही तो मुझे भी टेंशन हो रही है, आखिर उसे पकड़कर क्यों ले जाया गया है? कहीं उसकी पहचान तो नहीं हो गई है? और अगर उसकी पहचान हो गई और अमर ने उनकी मार के डर से कहीं हमारा नाम ले दिया तो एक और आफत हमारे सिर पर आ जाएगी। चीमा। नहीं बॉस, क्योंकि उसे जिस तरह ले गए थे मुझे नहीं लगता कि उसे पहचाना गया, क्योंकि अगर उसकी पहचान हो गई होती तो शायद हथियारों के साथ उसे पकड़कर ले जाया गया होता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डॉन सिकंदर। ठीक है, मुझे यहां की जानकारी देते रहना। अच्छा, फोन रखता हूं। और फिर फोन रख दिए जाते हैं। रात के अंतिम पहर में अमर अपने कमरे से बाहर निकल आया था और फिर यश मलिक की कोठी से बाहर निकल जाता है। सुरक्षा कर्मी। इतनी सुबह कहां जा रहे हैं सर? अमर, बस ऐसे ही घूमने, सुबह तक लौट आऊंगा। रात में समंदर का नजारा ज्यादा ही आनंददायी होता है। और फिर दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरा सुरक्षा कर्मी। जाने दो, कौन सा आइलैंड से बाहर भाग जाएगा। और फिर दोनों सुरक्षा कर्मी हंस पड़ते हैं। अमर, बेवकूफ, मैं यहां भागने नहीं आया हूं,
बल्कि सबको भगाने आया हूं। बस अब एक बार तिजोरी का पता लग जाए, उसके बाद देखना मेरा कमाल। और फिर वो दौड़ लगाते लगाते ही अपने होटल में आ पहुंचा था। अमर सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए माधुरी के रूम में पहुंचा था, पर माधुरी का रूम तो एकदम खाली था। माधुरी तो वहां थी ही नहीं। वो तो हैरान रह गया था, क्योंकि कमरे में उसका सामान भी नहीं पड़ा था। एक पल को अमर बेहद घबरा गया। अमर, ये माधुरी कहां गई? कहीं रवीना के रूम में तो नहीं है? हाँ, शायद वहीं होगी। और फिर तेजी से रवीना के रूम का दरवाजा खटखटाता है। अमर, रवीना, रवीना, दरवाजा खोलो, मैं अमर हूं। रवीना जो अंदर सो रही थी, अमर की आवाज को सुनकर जल्दी से उठ जाती है और फौरन दरवाजा खोल देती है और हैरानी से अमर को देखती है। अमर एकदम से कमरे के अंदर आ जाता है। माधुरी, माधुरी कहां हो तुम? रवीना, तुम्हारे कमरे में माधुरी नहीं है? रवीना हैरानी से, क्या कह रहे हो अमर? तुम रवीना को अपने साथ लेकर वापस छोड़ने गए थे और अब मुझसे पूछ रहे हो कि कहां है? और मैं तो खुद हैरान हूं तुम्हें यहां देखकर। ऊपर से तुम माधुरी के बारे में पूछकर मुझे और हैरान कर रहे हो। अमर बेहद घबरा गया था और अपना सिर पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ जाता है। रवीना, आखिर हुआ क्या है? तुम तो चले गए थे ना, पर तुम तो यहीं हो, फिर माधुरी कहां है? अमर, क्या कल शाम को माधुरी यहां नहीं आई? मैंने उसे वापस हेलीपैड से यहां भेज दिया था, क्योंकि मुझे यश मलिक के घर जाना पड़ा था। रवीना, पर माधुरी तो यहां आई ही नहीं, तो फिर कहां चली गई माधुरी? अमर बेहद घबराते हुए, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माधुरी कहां चली गई। रवीना बेहद हैरान और परेशान होते हुए, गलती तुम्हारी है अमर, तुम जानते हो ना इस आइलैंड के बारे में, उसके बावजूद भी तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? कहीं किसी गुंडे ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया? अमर, पता नहीं, अब मैं उसे कहां ढूंढने जाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों? और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है। रवीना, हमें उसे अभी ढूंढने निकलना होगा। मुझे लगता है तुमने उसे जिस तांगे वाले के साथ बिठाया था, कहीं वही उसे कहीं ले तो नहीं गया? हमें उसी तांगे वाले को ढूंढना होगा। अमर, पर इस वक्त हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? यहां तो कई तांगे वाले हैं और इस वक्त सब अपने घरों में सो रहे होंगे। रवीना कुछ सोचते हुए, घोड़े का रंग याद है तुम्हें? थोड़ा बहुत, हम इसी अंदाजे से उसे ढूंढने की कोशिश कर लेंगे। अमर कुछ सोचते हुए, हाँ, काले और सफेद रंग का घोड़ा था। रवीना, तो भाई ठीक है, मैं अंकित को भी उठा देती हूँ, फिर तीनों साथ ही माधुरी को ढूंढने निकलते। और कुछ समय बाद अमर अपने इन दोनों साथियों के साथ आइलैंड के उस तरफ निकल गया था जिधर यहाँ रहने वाले लोगों के घर बने हुए थे। और वो देख रहे थे किसके घर के आगे घोड़ा गाड़ी खड़ी है और कोई घोड़ा बंधा है। आइलैंड में इस वक्त भी चहल पहल बहुत नजर आ रही थी, बल्कि दिन से ज्यादा इस वक्त शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। म्यूजिक की ऊंची आवाज आइलैंड के कई इलाकों से आ रही थी और बीच बीच में लोगों के शोर शराबे की आवाज भी। अंकित, तुमने भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। अमर, मुझे तो लग रहा है ये सब जानबूझकर किया गया है। तुम्हें वो गुंडे पकड़कर इसलिए ले गए ताकि पीछे से माधुरी का किडनैप कर सके और तुम उनकी एक छोटी सी चाल नहीं समझ सके। तुम्हें तो माधुरी को भी अपने साथ यश मलिक की कोठी में ले जाना चाहिए था। अमर, अरे यार, मुझे लगा वहां मोना मलिक को शायद ये पसंद ना आए और वो माधुरी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे, इसलिए मैं उसे वहां नहीं ले गया। रवीना, उधर देखो, उस घर में काला और सफेद घोड़ा बंधा है, चलो वहां पता करके आते। अंकित, हम नहीं, सिर्फ तुम जाओ और चालाकी से पता करो, वरना हम तीनों को देखकर वो शायद इतनी जल्दी कुछ ना बताए, पर तुम्हें देखकर शायद बहुत कुछ बता दे। रवीना, ठीक है। और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और रवीना घर के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाती है। कौन है रात को परेशान करने वाला? आज से पहले तो किसी ने मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया, आज कौन आ रहा है? रवीना बेहद सुरीली आवाज में, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। रवीना की आवाज सुनते ही अगले ही पल दरवाजा खुल गया था और एक आदमी आंखें फाड़े रवीना को देख रहा था। रवीना उसे देखते ही, क्या मैं अंदर आ सकती? और उससे बराबर से सीधा कमरे के अंदर चली जाती है। वो आदमी इधर उधर देखता है
और दरवाजा बंद कर लेता है। रवीना अंदर एक तरफ लगी कुर्सी पर बैठ गई थी। आदमी दरवाजा बंद करके रवीना की तरफ देखता है और थोड़ा सा अचंभित रह जाता है। अभी तक बाहर डर रही लड़की अब बिल्कुल भी खौफ में नहीं लग रही थी। आदमी, इतनी रात को यहां कैसे घूम रही हो? क्या कोई जरूरी काम है? और थोड़ा सा रवीना को समझने की कोशिश करता है। रवीना, आज शाम के करीब 7 बजे तुम अपने तांगे से एक लड़की को लेकर होटल जा रहे थे। कहां है वो लड़की? और अपनी उंगलियां आपस में फंसा कर कटकटाती है। आदमी, कौन सी लड़की और तुम कौन हो? रवीना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। देखो, समझ तो तुम गए हो मैं किस लड़की की बात कर रही हूं, इसलिए अब टाइम खराब किए बिना मुझे बता दो वो लड़की कहां है, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुलाकर चलती बनूंगी। आदमी रवीना की तरफ देखता है और एकदम से उस पर हमला कर देता है। रवीना अपनी जगह से हिली तक नहीं थी और उसके दोनों हाथ इतनी तेजी से चले थे कि उस तांगे वाले को अपना सिर झंझनाता हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के सामने जो अभी तक एक लड़की खड़ी थी अब उसे 4-5 नजर आ रही थी। रवीना, कहां है वो लड़की, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकालने वाली हूं, जल्दी बोलो। तांगे वाला, वो लड़की तो जंगल में भाग गई है। रवीना, जंगल में भाग गई है? पर क्यों? तुम उसे होटल छोड़ने क्यों नहीं आए? तांगे वाला, क्योंकि उस पर चंपू मलिक की नजर पड़ गई थी और चंपू मलिक उसे अपने साथ ले जा रहा था, इसीलिए वो तांगे से कूदकर जंगल में भाग गई और फिर अभी तक नहीं मिली है, और लगता है कि अब वो जिंदा भी नहीं होगी, अब तक तो तड़प तड़प कर मर चुकी होगी। रवीना, तो उसे जंगल में ढूंढा नहीं तुम लोगों ने? तांगे वाला, हमारे यश मलिक ने पूरा जंगल छान मारा है पर कहीं भी वो लड़की नहीं मिली, पता नहीं कहां चली गई। और फिर बाद में सभी ये कहने लगे ये लड़की एक चुड़ैल थी जो इस जंगल में आकर गायब हो गई। मुझे भी चुड़ैल ही लगती है, वरना इतने सारे लोगों ने उसे तलाशा पर वो नहीं मिल पाई। रवीना उसके मुंह पर एक और करारा वार कर देती है।